दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिकल की तैयारी, आपको किस प्रकार करनी है, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की। तो आप देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। जानकारी देना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हमारे वीडियो किस प्रकार पसंद आते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। फॉरेस्ट और जेल प्रहरी का इस बार एग्जाम जो हो रहा है वो कम्बाइंड एग्जाम होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फॉरेस्ट में और जेल प्रहरी में किस प्रकार फिजिकल का स्टैंडर्ड रखा गया है। जेल प्रहरी में जो रखा गया है, 2 मिनट 50 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ कवर करनी है, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट में है उसमें 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना है। तो आपको पता ही होगा कि इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो अगस्त के महीने में रखा गया है, और साथ ही साथ 25 से 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके 15 दिन बाद आपको फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो आपके पास समथिंग 2.5 से 3 महीना है आज अभी इसे लगाकर। तो यानी कि अगर आप आज ही से ग्राउंड जाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इस एग्जाम में को पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं बता रहा हूँ आपकी किस प्रकार फिजिकल की तैयारी करनी है। जब आप ग्राउंड में जाएं तो ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि यहाँ मुरम जो आपने देखा हुआ है, रेड जो सॉइल रहता है, आपको उस पर रनिंग करनी है, ना कि आपको सीसी पेवमेंट पे या फिर डामर रोड पे आपको दौड़ लगानी है। अगर डामर रोड और सीसी रोड पर दौड़ लगाते हैं, आपके घुटने खराब हो जाएंगे और आप कभी फिजिकल में किसी भी अटेम्प्ट में नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आप ग्राउंड जाइए, और ऐसा ना करिए कि आप जाते से ही एकदम से रनिंग करने लगे, क्योंकि आप अगर एकदम से रनिंग करोगे तो आपके बॉडी को जो स्टेमिना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से कम 5 से 7 राउंड बिल्कुल स्लो स्लो वार्म अप करें ग्राउंड पर जाकर। उसके बाद आप 10 दिन तक अगर ऐसा कंटिन्यू करेंगे तो 10 के 11वें दिन आप ग्राउंड में 5 राउंड सिंपल दौड़िए और 2 राउंड तेजी से दौड़िए, ताकि धीरे धीरे जो 3 महीने में आपकी बॉडी को ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर दौड़ कवर कर पाएंगे। इसी के साथ जो फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, उनको पैदल चलना है ना कि भागना, यानी कि 25 किलोमीटर 4 घंटे में कवर करना है। तो उनको आज से कम ग्राउंड के पैदल में 10 से 15 राउंड लगाना पड़ेंगे, जब जाके आपका स्टेमिना इतना बन पाएगा कि आप 25 किलोमीटर विदाउट स्टॉप करे दौड़ पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि उसके कोई टाइम शेड्यूल नहीं रहेगा कि आपको सुबह के टाइम आपका फिजिकल रखा गया है या फिर दोपहर के टाइम। इसलिए आप ग्राउंड इस समय जाइए जैसे कि शाम को 4 से 5 के बीच में, जिस समय हल्की धूप रहे और छांव भी रहे, ताकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उस हिसाब से वो ढल जाए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। आपको किसी प्रकार की अगर फिजिकल से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। दोस्तों, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।